अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? ये बच्चा पैदा हुआ है जी प्री मेच्योर, मतलब कि अपना दिन पूरे नहीं हुए, अभी नौवा महीना पूरा नहीं हुआ इसका, ये पहले बच्चा पैदा हो गया तो वीक है काफ़ी। तो आज हम आपको बताएंगे कि इनको संभालना कैसे होता है जब प्री मेच्योर पैदा हो जाए। अच्छा भाई, पहले नंबर पे तो आपने ये करना है कि दूध जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है, ये नहीं कि एक ही बार आप जो है इसको पेट भर के दूध दे दें, थोड़ा थोड़ा देना। और उसके बाद आपने इसको खुद हाथों से खड़ा करके ना, खुद इसको हाथों से अपने खड़ा करके इसको, जैसे भी मैं करके दिखाता हूँ आपको, ऐसा खुद से खड़ा करके इनको थोड़ा देर चलने देना है, ताकि चलें फिरें दूध पीने के बाद, बैठे ना रहें, क्योंकि प्री मेच्योर होता है ये चलता फिरता कम है, ज़्यादातर जो है बैठ के अपना टाइम निकालते हैं ना, तो इनको आपने खुद पकड़ के थोड़ी देर दूध पीने के बाद खड़ा कर देना, और दूध भी आप कोशिश करें कि आप खड़े करके पिलाएं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है, ये सिरप है वाइडलिन सिरप, आपने दिन में 3 बार देना है 2-2 ml, ठीक है। ये देने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, दो एम एल सिरप आपने भर लिया, ये बच्चा। अब आप इसके बच्चे के मुंह में अपनी उंगली डाल दें, दूसरी से स्टार्ट कर दी इसने, अब दूसरी साइड से लगा के पीछे डब पीछे बालू, ये उंगली चूसनी शुरू कर दी। अब दूसरी साइड से आप जो है ना सिरप डाल के हल्का सा थोड़ा सा, खत्म हो गया, थोड़ा सा और डाल दें, चूसा रहेगा साथ साथ, थोड़ा थोड़ा डालते रहेगा, ये देखा बिल्कुल भी इसने बाहर नहीं निकाला, सारा का सारा सिरप पी गया। ये तरीका होता है सिरप पिलाने का छोटे बच्चे को, अभी खुद से खड़ा होने की हिम्मत इसमें नहीं है, तो खड़ा करने के लिए यही होता है कि इसको थोड़ा सा सहारा दे के ना, सीने से हाथ डाल के थोड़ा सा सहारा दे, अब हो गया खड़ा। दूध पीने के बाद लाजमी बच्चे को चलने के लिए थोड़ा इसी जगह दें, ताकि बच्चा थोड़ी देर चलता घूमता फिरता रहे, जितना घूमे फिरेगा उतना अच्छा दूध पीने के बाद। और ये सिरप लाजमी आप देते रहें ताकि इसमें ताकत रहे। अभी देखें ना, बाल बिल्कुल इसके बिल्कुल नरम बाल, पूरी तरह बाल भी नहीं बने, और ये देखें दांत भी बच्चे के अभी तक नहीं बने, ये पैदा होने से पहले बनने वाली चीज़ है, दांत और ये बाल, बाल भी अभी सही से नहीं बने, इसके दांत भी अभी सही से नहीं बने। तो मौसम के लिहाज से आपने बचाना भी लाजमी है, अगर मौसम ठंडा है तो फिर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, इसके बाल कम है इसी वजह से, और अगर गर्म है तो गर्म में भी आपको थोड़ी सी एहतियात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हर तरह का मौसम तो एक जैसा नहीं रहता। बाकी अल्लाह खैर करेगा, आपको अपडेट देते रहेंगे जैसा बना बच्चा, माशाल्लाह से H3 बुल का रिजल्ट है ये। जगह बनाई है भाई इसके लिए हमने, सुकून वाली जगह दें बच्चे को, नीचे गीला फर्श बिल्कुल भी ना हो, ठंडा फर्श बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल ये पेशाब है इसमें, पेशाब जो भी है नीचे इसमें जब हो जाएगा फिर इसको चेंज कर देंगे, ज़्यादा गीला हो जाएगा तो। और सेपरेट हो जाएगा बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरे जानवर वगैरह कौवे बहुत तंग करते हैं, दूसरे जानवर बहुत तंग करते हैं, प्री मेच्योर है ज़्यादा उठ हिलजुल नहीं सकता, तो इसकी वजह से। ये हमारे कुत्ते भी हैं, लेकिन कुत्ते हमारे ये हैं कि अपने जानवर को इतना तंग नहीं करते, लेकिन फिर भी एहतियातन बेहतर है,